हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग के मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस टेंस की जिसमें हम बीते वक्त की बात करते हैं, लेकिन जो काम पास्ट टेंस में यानी बीते वक्त में हो गया उसके बारे में हम इंटरोगेट करते हैं, यानी हम उसके बारे में सवाल पूछेंगे क्या वो हुआ पास्ट टेंस में। सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस और इट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। In the last two videos, we have seen how the affirmative sentences of this tense are made by using which format. Then we have seen how the negative sentences of this tense are made. इसमें हमें कहना हो बीते वक्त में काम नहीं हुआ तो हम negative simple past tense का use करते हैं, और हमें बीते वक्त में हुए काम के बारे में सवाल करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। सो इन द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वी इंटरोगेट और वी आस्क अबाउट द सिचुएशंस दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। इस टेंस का फॉर्मेट जो कि एक सिंपल सा होगा इसी वीडियो में आपको मिलेगा, उस फॉर्मेट में अगर आप सब कुछ फिट करेंगे जैसा कि फॉर्मेट बताएगा तो आप सेंटेंसेस तो बना ही लेंगे, लेकिन आपको दो प्रिकॉशंस रखनी होगी। एक होगी जब इंग्लिश राइटिंग करेंगे आप इस टेंस के सेंटेंसेस यूज करते हुए, और दूसरी प्रिकॉशन काम आएगी आपको करेक्ट स्पीकिंग में, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ स्पोकन। सो इन माय वीडियोस वी कवर बोथ द पार्ट्स, करेक्ट इंग्लिश राइटिंग एज वेल एज करेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो मेरी इंग्लिश सीरीज आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काम की है और आपके लिए ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए भी काम की है। तो आज का टेंस शुरू करते हैं, उन्हीं तीन स्टेप्स में हम इस पे कमांड हासिल कर लेंगे। एक होगा फॉर्मेट, सेकेंड स्टेप में हम प्रिकॉशंस देखेंगे और थर्ड स्टेप में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपकी मदद करेंगे इसी तरह के और सेंटेंसेस बनाने में। दोस्तों आज के प्रिकॉशंस पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब आप ये सीख जाएंगे तो आप खुद चेक करिएगा जो लोग आपको लगता है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या जो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं वो भी अक्सर इस टेंस को यूज करते वक्त एक बहुत ही सली कॉमन मिस्टेक करते हैं, और मुझे यकीन है जब आप आज के इस वीडियो के बाद इस टेंस को सीख जाएंगे तो आप खुद देखिएगा कैसे लोग इस टेंस के सेंटेंसेस बनाते वक्त गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं। तो आज की लर्निंग शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, मेरे सारे उन ऑडियंसेस का जो मेरे वीडियोस वॉच करते हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से मैं 100 सब्सक्राइबर्स का एक माइलस्टोन जो कि यूट्यूब का होता है वो काफी पहले पार कर चुकी हूँ, लेकिन बात आज आपसे कर रही हूँ जबकि मैं 200 सब्सक्राइबर्स आप लोगों की मदद से क्रॉस कर चुकी हूँ। इसको क्रॉस करने से मुझे खुशी तो होती ही होती है, लेकिन आप लोगों को भी कुछ मिला है। अब मेरे चैनल को एक URL मिल गया है जो मेरे चैनल के नाम से ही रिलेटेड है, उसकी लिंक जो बहुत इजी सी है आज के इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप सिर्फ उसको क्लिक करें, आपके सामने मेरा पूरा चैनल होगा। उस चैनल पर करंटली मेरी तीन प्लेलिस्ट पैरेलल चलती हैं। एक प्लेलिस्ट है जिसमें सीरीज में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, दूसरी प्लेलिस्ट है मनोरंजन की लेकिन साथ में शिक्षा भी मिलती है, तो बच्चों के लिए, और अगर बड़े भी पसंद करते हैं तो बहुत छोटी सी प्यारी प्यारी सी कहानियां होती हैं, बोलती कहानियों के नाम से वो प्लेलिस्ट है। और थर्ड प्लेलिस्ट है मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो कहीं ना कहीं लोनलीनेस या डिप्रेशन की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, उनके मन में कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, उनके लिए मैं थर्ड सीरीज लेकर आती हूँ लोनलीनेस के नाम से, और उसमें वीडियोस और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मेरी वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, उसका नाम है लोनलीनेस, लेकिन उसमें सारे तरीके होते हैं हाउ टू कोप अप विद लोनलीनेस और हाउ टू कोप अप डिप्रेशन। तो दोस्तों लिंक आज के डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट खुल जाएंगी मेरा चैनल खुलते ही, और आप अपनी चॉइस की प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप उन्हीं वीडियोस को पाएंगे जो आपकी चॉइस के हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज के टेंस की, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड टुडे वी आर ऑन द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ दिस। द फॉर्मेट ऑफ दिस टेंस इज, फॉर्मेट इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू हैव टू ऐड एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आज का फॉर्मेट कहता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
first form of verb, that is V1, then whatever object you have to add to make the sentence longer, and in the end question mark. So again, see the format: did plus subject plus V1 and question mark. जी हाँ, यहाँ पर भी past tense, यहाँ पर past tense जरूर है, लेकिन verb का second form, that is past form of verb नहीं use करना है, हमें V1 use करना है. क्यों? ये हम precautions में देखते हैं. Two precautions you have to keep in mind. Number one, only V1 form of verb you have to use, as did already we have used in the starting. And second precaution is that question mark has to be put in the end of the question. First key precaution जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो है कि आपको हर हाल में verb का first form, basic form V1 use करना है, क्योंकि format में सबसे पहले did आ गया है और did already do का past tense form है, तो हमने auxiliary verb का already second form past tense form use कर लिया है past tense का जिक्र करने के लिए, इसलिए V1 अब first form में simple verb form में use होगा. अब ये did जो है, इसके लिए भी आपको कोई चक्कर नहीं है कि कौन से subject के साथ कोई V1 verb का कोई form या did को change करना है. नहीं, did भी as it is हर तरह के subject के साथ आएगा, चाहे वो I हो, you हो, we हो, he, she, it, plural, singular, जो भी हो. यानी सिर्फ did, subject, whatever subject is that, and then V1 form, simple verb form, without bothering that along with subject, what precaution you have to take. So आपको सिर्फ did plus subject plus V1 use करना है, और अगर आप इस tense का use करते हुए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, राइटिंग की अगर हम बात करें, तो एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा. मैं चाहती हूँ मेरे लर्नर्स इजी तरीके से तो सीखें, लेकिन सही चीजें सीखें और वो कोई ऐसी गलती नहीं करें जिससे कोई उनको पॉइंट आउट कर सके कि उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती. तो प्रिकॉशंस दो देख ली हमने. एक है कि आपको डिड यूज करने के साथ V2 फॉर्म नहीं यूज करते हुए V1 फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग बहुत गलती करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल, वो डिड भी यूज करते हैं और वर्ब का V2 फॉर्म ही यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि ये पास्ट टेंस है. भाई, पास्ट टेंस है तो डिड लगा लिया ना, इसलिए डिड के साथ V1 फॉर्म आएगा. ये सिली मिस्टेक आप मत करिएगा, और आप जब ये सीख जाएं प्रैक्टिस करके, तो आप देखिएगा कि कितने लोग इस टेंस का यूज करके जब सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं तो वो ये गलतियां करते हैं कि नहीं, जो मैंने आपको बताई. आप खुद देखेंगे कि कितने लोग ये गलतियां करते हैं, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा. ये सेकंड प्रिकॉशन थी. अब जान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. डिड ही गो टू मार्केट? क्या वह बाजार गया? डिड शी कम विथ यू? क्या वह तुम्हारे साथ आई? डिड यू डू माय वर्क? क्या तुमने मेरा काम किया? डिड आई से यू नो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा? इसे ही हिंदी में हम यूं भी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें मना किया? डिड वी नॉट मीट यू यस्टरडे? क्या हम तुमसे कल नहीं मिले? डिड दे कॉल यू? क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया? मैं फिर कहूंगी ये एग्जांपल्स काफी नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना ही आप खुद को इम्प्रूव पाएंगे. दोस्तों, आज हम कुछ बात कर लेते हैं इसी टेंस के सेंटेंसेस बनाते हुए. जो मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप सोचिएगा और मैं जो पूछ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करते जाइएगा. डिड यू लाइक माई वीडियो? क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया? इफ यू लाइक माई वीडियो, डिड यू प्रेस द लाइक बटन? क्या आपने लाइक बटन को प्रेस किया? ओके, फिर मैं पूछती हूँ, डिड यू सब्सक्राइब माई चैनल? क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? दोस्तों, नहीं किया हो तो कह दीजिएगा. डिड यू पुट एनी कमेंट टू टॉक विथ मी? मुझसे बात करने के लिए क्या कोई कमेंट छोड़ा आपने? इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल, देन डिड यू प्रेस द बेल आइकन हैविंग द डार्केस्ट कलर ओवर देयर वेयर ऑल इज रिटन? जहाँ पे ऑल लिखा है वो सबसे डार्क कलर का बेल आइकन भी दबाया क्या? तो दोस्तों, ये सब आपने नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियोस के जरिए, और हम बढ़ते जाएंगे एक एक स्टेप इंग्लिश लर्निंग में और ऊपर की तरफ. Thanks for watching my video. Keep on practicing. Take care. Bye.